एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री हैं और अपेक्षाकृत युवा हैं और आप बहुत सारे वरिष्ठ सहयोगियों के साथ कैबिनेट में काम कर रहे हैं, और ये ह्यूमन डायनेमिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि इस तरह की लीडरशिप, ये लीडरशिप की क्लास है, बल्कि एक तरीके का तो पता चलता है कि लोग अपने सीनियर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्या अनुभव है? मैंने इसमें एक शब्द भी बोला था कि मैं सीनियर के बीच से नहीं बना हूँ, मैं सीनियर के साथ बना हूँ। मैं उसका पॉजिटिव देखूँगा तो मुझे ये लगता है कि कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है कि मुझे कोई मार्गदर्शन चाहिए तो मैं उनसे बात करता हूँ सहजता से, तो मुझे बड़ा अच्छा सकारात्मक उसका उत्तर मिलता है। या जैसे क्रिकेट की भाषा में ही मैंने आज ही एक जगह बताया था कि मान लो विराट कोहली आए तो धोनी भी उसकी टीम में थे, या गावस्कर के टाइम की कल्पना करें जब कपिल देव कप्तान बने थे, तो सीनियर तो हर समय टीम गेम राजनीति, और यहाँ हमेशा टीम सीनियर रहेंगे। अब उसमें से आप उनके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए सरकार की दिशा ठीक चले या आप पे डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य अगर अच्छा है, सच्चा है, तो सबका सहयोग मिलता है। प्रेम भाव से आपस में एक दूसरे का सम्मान देते हुए सरकार चलाते हैं अच्छे से।